अभी तक प्रेशा का एक फोन तक नहीं आया। कहकर गई कि वहां पहुंचते ही मैं फोन करूंगी अम्मा। कुछ नहीं, फोन नहीं, कुछ नहीं। क्या हुआ होगा? अयो, कहीं वहां झगड़ा वगड़ा तो नहीं कर दिया इसने? क्या करूं मैं एक काम करती हूँ, मैं ही वहां चली जाती हूँ क्लिनिक में। वैसे भी प्रेशा ने मुझे बताया क्लिनिक का नाम, मैं एड्रेस पता लगा के वहां चली जाती हूँ। ये तो मैं भी नहीं जानता, इसीलिए तो आज तक छुपाता आया। पहले मैंने सोचा था कि मैं तुम लोगों को कभी बताऊंगा ही नहीं, लेकिन अब वेंकी ठीक हो रहा है तो मैं कैसे छुपाऊंगा? एक माँ को उसके बच्चे से कैसे दूर रखूंगा और एक बच्चे को उसके माँ से? तो क्या कर, वसु को बताया तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी वो। हम है ना अम्मा को संभालने के लिए। हाँ, और आपने तो तब संभाला था जब वेंकी चेता के जाने की खबर दी थी। अब तो उनको नई जिंदगी की खबर देनी है और मैं हूं ना, हम मिलके संभालेंगे, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उन्हें बताना है, चलो अम्मा को बताते हैं। कन्या तू बैठ, मैं वसु को बुलाता हूं। प्रेशा, वसु कमरे में नहीं है, घर में ही कहीं नहीं। क्या अम्मा घर पे नहीं है? फिर कहाँ जा सकते हैं? मैं पता करता हूं, फोन करता हूँ। रुको, मैं फोन करती हूँ। नर्स, डॉक्टर राधा मूर्ति यहीं पर है? वो अपने कैबिन में है वहाँ। वहाँ से राइट लीजिए, थर्ड कैबिन। वहाँ से? हाँ। थैंक यू। हेलो प्रेशा, अम्मा कहाँ हो आप? अयो नहीं आएंगे, तू किधर है? मैं यहाँ घर पे आई हूँ, लेकिन आप यहाँ हो ही नहीं। अयो इल्ले कना, मैं तूने फोन ही नहीं किया। मैं कितना इंतजार कर रही थी कना, मुझे लगा कि कोई गड़बड़ है इसलिए मैं यहाँ आ गई हूँ। यहाँ आ गई मतलब कहाँ? अरे यही, वो एमजे पटेल मेंटल हेल्थ क्लिनिक। तूने कहा ना तू इसी क्लिनिक में है। क्या आप वो एमजे मेंटल हेल्थ क्लिनिक में हो? मैं वो डॉक्टर राधा मूर्ति से मिलने आई हूँ। मैं भी जरा पूछ लूं उससे कि उसका और जीपीएस के बीच में क्या चल रहा है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। अप्पा जल्दी चलो। क्या हुआ? अम्मा वहाँ क्लिनिक में है जहाँ चेता है, हमें जल्दी पहुँचना पड़ेगा इससे पहले कुछ हो जाए। चल, जल्दी चलो। ये तो मुझे वेंकी बुलाया करता था। बच्चा जिंदा है, किधर था कना तू? अयो तू किधर था कना? कितना बड़ा हो गया है मेरा वेंकी, मेरा बच्चा कितना बड़ा हो गया है। करना दो, तू कैसे आ गया करना? तू तो चला गया था ना, तू जिंदा। आयुषु, मुझे लगा कि तू चला गया, लेकिन तू जिंदा है करना। इतने साल तक तू कहाँ था करना? ये सब कैसे हुआ? कैसे करना, कैसे? तो क्लिनिक पहुंच गई है करना। पता नहीं डॉक्टर राधा को क्या बोलेगी, कहीं कुछ गलत बोल दिया तो। पापा, आप इस बारे में सोच रहे हो? मुझे तो ये लग रहा है कि अम्मा कहीं चेता को ना देख ले। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अगर अम्मा ने चेता को देख लिया ना तो पता नहीं सब कैसे हैंडल करेगी, कैसे रिएक्ट करेगी, कुछ नहीं पता। वही तो, हमें क्लिनिक से घर आना ही नहीं चाहिए था। कम से कम वजू को फोन कर लेते, पता तो होता वो कहाँ है। ये सब कुछ नहीं होना था, बस अब जल्दी से वहाँ पहुँच जाए हम लोग। आप टेंशन मत लो, वैसे भी आज नहीं तो कल तो अम्मा को इस सच्चाई का सामना करना ही था। और हम हैं ना उनके साथ, हम संभालेंगे उन्हें, समझाएंगे। वेंकटेश्वर सब ठीक रखेंगे। उसी को फोन। रुद्र को। इसे भी मैंने कल से कॉल नहीं किया, वरिट होगा। हेलो रुद्र। प्रीशा कहाँ हो तुम यार? सुबह हो गई, पूरी रात से गई हो तुम। यार मुझे पता है कि तुम अम्मा पापा के साथ हो, पर फिर भी मुझे अजीब सा लग रहा है यार। चिंता हो रही है तुम्हारी। सब ठीक है ना वहाँ पर? पता नहीं ऐसे क्यों बोल रही हो? क्या हुआ? और तुम हो कहाँ? मैं पापा के साथ जा रही हूँ। पापा के साथ कहाँ जा रही हो? मेरे चेता, मेरे भाई से मिलने। क्या? भाई से मिलने? तुम्हारा भाई कहाँ से आ गया अचानक? आज तक तो तुमने कुछ बताया नहीं, चक्कर क्या है? ट्रूथ, मुझे भी कल रात को ही पता लगा कि मेरे भाई जिंदा है। अरे लेकिन ऐसे कैसे ये सब? एक्चुअली बोलो ना चेता। हाँ करना, तू ठीक समझ रही है। तेरा चेता जिंदा है। और फिर अम्मा अभी वहाँ क्लिनिक में पहुँच गई हैं। इससे पहले अम्मा चेता को देख ले, हमें किसी भी तरह वहाँ पहुँचना है, वरना पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगी। मुझे बस इस चीज की चिंता है, पता नहीं कैसे हैंडल करेंगी वो। तुम टेंशन मत लो। सबसे पहले मुझे अपनी लोकेशन भेजो, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। ओके ओके। क्या हुआ? रुद्र ठीक है। मैं कहने भी वाला था कि रुद्र को वहाँ बुला लो। वो होता है तो बहुत हिम्मत मिलती है मुझे, अपने बेटे से बढ़ के समझता हूँ मैं उसको। वसु भी उसको अपना बेटा समझती है। वो होगा तो वसु को संभाल लेगा कना। वसु की बहुत चिंता हो रही है। आप चिंता मत करो, हम हैं ना। रुद्र भी आ रहे हैं, वेंकटेश्वर सब ठीक रखेंगे।